अगर आपको नहीं आती तो कैनवा में जाके आप डिफरेंट टेम्पलेट, सोशल मीडिया के हैं ये, इंस्टाग्राम, फेसबुक कवर्स, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के हैं, लिंक्डइन है, ये सारे कार्ड्स बनाने हैं, रिज्यूम्स, पोस्ट कार्ड, टी शर्ट्स, और ये सारे लोगोज, फ्लायर्स, पोस्टर्स, ये सारी चीजें इसमें बन जाती है ट्रेंडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए। तो ये आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिजाइन है, तो कोई भी डिजाइन बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके जो पहले से डिजाइन इधर सेव होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी आपके डिजाइन पहले से आपने किए हुए हैं वो आप यहाँ से वो भी आपको मिल जाएंगे, और आप खुद अपने डिजाइन नए भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन पहले से सेव्ड है, इनको आप चेंजिंग करना चाहें, तो फॉर एग्जाम्पल ये डिजाइन है तो इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर नाम लिखना है आपने तो नाम भी चेंज कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है तो आप इसका ये इस तरह यहाँ से चेंज कर दें, नीचे पीछे नाम भी चेंज करना है, इसको थोड़ा सा मूव करना है, ऊपर लेके जाना है ऊपर लेके जा सकते हैं, इसका साइज चेंज करना है, ये देखें यहाँ से इसका फॉर्मेट भी, ये देखें यहाँ से कोई और आप ये देखें यहाँ से ये कर दें, इसके बाद ये कर दें, ठीक है। कुछ फ्री नहीं होंगे तो उसको रहने दें, ये जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है ये फ्री नहीं है, इसको रहने दें, बाकी जो है वो फ्री है तो वो आप कर लें, इन पे ना करें, ये वाले बाकी फ्री है, ये भी फ्री है, इस तरह ये नहीं फ्री, ये फ्री है इस तरह, तो ये जो फ्री है इनको आप, ये नहीं फ्री, ये ठीक है, इस तरह ये जो फ्री है, इस तरह आप जो है वो ये कर सकते हैं अभी बड़े। और ये नाम चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये नाम का ये देखें पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखें इस तरह बड़ा हो रहा है, इसमें देखें कलर चेंज कर दें, ये कलर चेंज हो गया, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, अगर फॉर एग्जाम्पल दोबारा कलर चेंज करना है तो ये रेड हो गया, ये ब्लू, ब्लैक, जो भी करना है, ठीक है। तो ये इस तरह आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये पीछे कुछ चीजें बिल्ट इन है, ये सारे जब पिछला डिलीट करेंगे तो ये डिलीट करेंगे तो ये पिछला बैकग्राउंड ही डिलीट हो गया, ठीक है, कंट्रोल जी से इस तरह। तो ये बैकग्राउंड है, अगर आपने बैकग्राउंड ही चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी यहाँ से आप कुछ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें सारे स्टाइल्स वगैरह इधर से आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये टेम्पलेट है, ये देखें इतने ज्यादा टेम्पलेट है, आप इसको वो करना चाहें, ये देखें फॉर एग्जाम्पल इससे रिप्लेस करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी करें, या न्यू पेज ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल न्यू पेज ऐड किया, इसके अंदर आप नया टेम्पलेट ट्राई करना चाह रहे हैं तो ये नया टेम्पलेट करें, इसमें यहाँ ये जो पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स में आपने जो अपनी अपलोड की हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पिक्चर है मैं वो लाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें ड्रैग करके उधर लाएंगे तो वो देखें उसमें चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से दूसरे पे कोई नई पिक्चर डाउनलोड कर ले, वहां ड्रैग करेंगे दूसरी आ जाएगी, इस तरह तीसरी जो है वो तीसरी पिक्चर आप इस तरह तीसरी पे कर दें, ठीक है। और इधर नाम भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर टू है, डाउनलोड करना है तो आप इधर जाके पेज नंबर टू पे जाके, ये देखो पेज दोनों डाउनलोड हो रहे हैं, आप सिर्फ पेज टू डाउनलोड करना चाह रहे हैं, सिर्फ पेज टू पे क्लिक कर दें, ठीक है, डन हो गया। अब ये सिर्फ पेज टू आ रहा है यहाँ, अगर सारे पेज आएंगे ऑल पेजेस तो ये सारे डाउनलोड हो गए, अगर ऑल नहीं करने तो आप जस्ट पेज नंबर टू पे चले जाएं, और ये PNG सजेस्टेड है, JPG, और ये पेड है, बाकी MP4 वीडियो भी इसमें डाउनलोड हो जाती है, वीडियोज हो तो ये सजेस्टेड में इन PNG फाइल जो है आप इस तरह डाउनलोड कर लें, और इसमें ये राइटिंग सारी चेंज कर सकते हैं। ये आप डाउनलोड करेंगे तो ये देखें ये डाउनलोड होगी, इसमें जाएं तो आप देखें तो ये ग्राफिक डिजाइन में हमने ये फ्रीलांसिंग में फॉर एग्जाम्पल इसको सेव कर लेते हैं, हैप्पी बर्थडे का कैनवा का, तो ये देखें ये अब इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह आपका वो डिजाइन नया बन गया। तो ये जो ग्राफिक डिजाइन है जो अडोब फोटोशॉप पे करते हैं वो बने बनाए डिजाइन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, और हम देखते हैं जो मैं आपको पीछे कह रहा था, ये इसमें भी आप डिजाइन चेंज करना चाहें तो ये नाम चेंज कर दिया, ये कर दिया, पिछला डिजाइन भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखें ये तो डिजाइन डेफिनेटली वो सारे चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिजाइन चेंज करके इसको आप सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए इस नाम से सेव हो जाएगा अब आपका ये, इसको आप अपना माई माई डिजाइन वन के नाम से सेव कर लें, अब ये माई डिजाइन वन के नाम से ये दोनों फाइल सेव होगी। अब जब भी आप खोलेंगे होम में जाएं, होम में जाने के बाद जब भी ऑल योर डिजाइन में आएंगे तो आप देखेंगे कि माई डिजाइन के नाम से ये देखें माई डिजाइन वन में दो पेजेस आ रहे हैं, ये पहले के डिजाइन है जो बने हुए हैं। होम में जाएं, होम में जाके आप टेम्पलेट्स में जाएं और जाके कार्ड बनाना चाह रहे हैं, बस इनविटेशन है फॉर एग्जाम्पल, आपने इनवाइट करना है अपने फ्रेंड्स को, इनवाइट करना है फॉर एग्जाम्पल, और इनवाइट करने के लिए आप इनविटेशन बनाना चाह रहे हैं कि जो इनविटेशन होता है, देखिए ये इस तरह की इनविटेशन है, हैप्पी बर्थडे टू यू, आप जब भी आपके फ्रेंड या कोई जिसको हैप्पी बर्थडे करना है तो आपके पास उनकी तस्वीर तो होती है। ये प्रो वाला वर्जन है, ये पैसे लगेंगे, इसको रहने दें, ये प्रो वाले जो शो ये फ्री है, ये लिखा हुआ फ्री, जो फ्री है वो आपके यूज हो सकते हैं, ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये प्रो है, प्रो 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 वाले जो है वो पेड है, जाहिर है वो पेड तो अभी नहीं करने, फ्री वाले जो है तो ये फ्री में देखें कोई पिक्चर वाला मिल जाए हमें, जिस तरह ये भी पेड है, और ये प्रो प्रो फ्री, ये फ्री है। फॉर एग्जाम्पल इसको ले लें, तो इसमें आप किसी बेबी को बर्थडे करना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक करें, जब क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। सेकंड में उसकी डेट लिख दें, फॉर एग्जाम्पल ये नीचे उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ये बर्थडे इधर लिखें, जैसे करेंगे बर्थडे जो है इसका हैप्पी
फर्स्ट बर्थडे लिखा हुआ है, ये बेबी बना हुआ है, बेबी की जगह फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कोई भी पिक्चर हो आपकी, उस पिक्चर को आप ड्रैग करें, ड्रैग करके थोड़ी सी दोबारा करें एक बार, यहाँ से ये देखें ड्रैग करें तो वो आ जाएगी, ठीक है। और नीचे आप उनका नाम लिख रहे हैं जिनका नाम है, और ये इस तरीके से ये आपका डिजाइन बन गया। इसको जिस नाम से सेव करना है ये देखें भाई, सेकंड डिजाइन लिख दें माई डिजाइन टू के नाम से लिख दें, या कोई उनका नाम लिख दें जिनका डाउनलोड करना है, तो यहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर रहा है ये, पीडीएफ कर ले, या फिर आप जो है वो ये पिन फाइल ये वाली डिलीट कर सकते हैं, पीएनजी ये इमेज फाइल होगी, व्हाट्सएप पे आप शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल डाउनलोड होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिजाइन जो है ये देखें डाउनलोड होगी, इसको आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह की फाइल आपकी डाउनलोड होगी। तो ये आप डिफरेंट डिजाइन जो है इधर बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, ये आप उनको भी सिखाएं और आप खुद भी इसमें डिफरेंट वीडियो है फॉर एग्जाम्पल ये देखें वीडियोज में जाए, और फॉर एग्जाम्पल आप छोटा सा क्लिप जो है वो करना चाहे अपनी वीडियो भी यहाँ से वहां से अपलोड करके इधर पीसी में ले आए, और यहाँ से अपलोड करके आप वीडियो यहाँ से अपलोड मीडिया में जाए, और यहाँ से वीडियो अपनी अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कर लें। और यहाँ जो है वो ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये है, ये देखें ये अभी इस वक्त ये साउंड है, तो साउंड इस वक्त कुछ भी नहीं है, तो 5 सेकंड तक ये देखें टाइमिंग है, 30 सेकंड 5 सेकंड ये टाइमिंग भी लिखी है, ये देखें कितना टाइम रखना है आपने, ये देखें पीछे बैकग्राउंड में कितनी देर चले, ठीक है। ये 5 सेकंड की रखी हुई थी उन्होंने, 5 सेकंड है फॉर एग्जाम्पल, तो 5 सेकंड की होगी। अच्छा उसके बाद आप देखें फॉर एग्जाम्पल ये रखा है मैंने, उसके बाद मैं कोई और चीज इसमें रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स में या टेम्पलेट्स में जाता हूँ, ये देखिए वीडियोस बनी हुई है पहले से, प्रो है प्रो है प्रो है, ये फ्री है, मैं फ्री वाली उठाता हूँ, ये मैं डिलीट करता हूँ, ये फ्री वाली उठाता हूँ, ये आ गई इधर, ठीक है। आप देखें जब ये ऑन होगी ये देखें चेक करें, ठीक है, ये इस तरह हैप्पी बर्थडे आ रहा है, अब ये इस तरह हैप्पी बर्थडे आ रहा है। अब आप ये करें कि फॉर एग्जाम्पल इसको इसकी जगह ये पीछे इमेज है, ये आप ये जो वीडियो है ये असल में वीडियो है, आप ये वीडियो वहां से अपलोड कर सकते हैं अपनी वीडियो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाता हूँ टेम्पलेट्स में, अपलोड में जाता हूँ और अपनी वीडियो फॉर एग्जाम्पल ये वाली सेल डॉक्यूमेंट वाली फॉर एग्जाम्पल करते हैं, ये तो काफी बड़ी है, ये टाइम लेगी काफी ज्यादा, तो इसको हम कोई और अगर अपलोड करना चाहे इसमें जाके कोई छोटी सी फाइल देखते हैं, अगर हमारे पास है कोई जो हमने इधर की थी फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइन में लुकअप टेबल ग्रेडियंट और ये फाइल यूज कुल शॉर्टकट्स, ये सबसे छोटी वीडियो है मेरे ख्याल में, इसको अगर हम देखें, इसको हम करते हैं डिलीट क्योंकि ये टाइम लगी लेगी, और इसको देखते हैं अगर। अब ये जो आपकी वीडियो बनी है इसकी जगह फिर बेस करना चाहें फॉर एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं, तो ये जाली क्लिक करके आप इसके भी बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जब इसको डाउनलोड करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखें MP4 में ये डाउनलोड होगी, ये देखें MP4 ही आ रहा है, डेफिनेटली MP4 में होगी, इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी, ये अभी डाउनलोड हो रही है, अभी थोड़ी देर तक ये डाउनलोड हो जाएगी मुकम्मल, चूंकि वीडियो है तो ये थोड़ा टाइम देगी डाउनलोड करने में, वो पिक्चर थी तो पिक्चर जो है वो इमेज फाइल जो है वो जल्दी डाउनलोड हो जाती है। अब इसमें आप जब इसको ये करेंगे तो ये देखिए इस तरीके ये बैकग्राउंड में आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, ये डाउनलोड हो रही है अभी मेरे ख्याल में, किधर गई, अच्छा वो हो रही थी डाउनलोड, सॉरी इसको कैंसिल करें, अब ये देखिए ये डाउनलोड होगी, इसको आप डाउनलोड कर ले, ये अभी ये डाउनलोड होगी 2.7 MB की ये फाइल है। अब इसमें आपने ये करना है कि ये जब डाउनलोड हो जाए तो आप इसको अब जब आप व्हाट्सएप पे या किसी को भी शेयर कर दे, शेयर करेंगे तो इस तरह की छोटी सी फाइल व्हाट्सएप पे शेयर हो जाती है 10 सेकंड की, या इस तरह वो करके 10 मिनट एक छोटी फाइल, ये इस तरह आपकी उनको बर्थडे हैप्पी बर्थडे बड़ा अच्छा सा विश हो जाएगा। इसका नाम रख दें आप, ये अनटाइटल्ड है, इसको मेरे माई वीडियो माई फर्स्ट वीडियो माई वीडियो 1 या माई हैप्पी बर्थ वीडियो 1 इस तरह कर दें, ये सेव होगी, खुद ही सेव हो जाती है। अब ये बैक जाएंगे तो इस वक्त ये लीव कर दें क्योंकि ये अपलोड हो रही है वीडियो, इसलिए कहता है लीव करें कि नहीं, तो ये लीव कर दें, हमें जरूरत नहीं है इसकी वीडियो की भी। तो ये इस तरीके से आप जो है आर्ट्स योर डिजाइन में जाएंगे तो ये आपकी वीडियो भी सेव होगी, ठीक। तो इस तरीके से इतने डिजाइन है, इस पे भी आपने ट्राई करना है, ये सारी ट्राई करें वन बाई वन, कभी ये करें कभी ये करें, इससे आपको आइडिया होगा कि कितनी चीजें, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने हाँ मैंने वो लेसन एक जो है मेरे स्कूल में एक मेरी प्रेजेंटेशन हो रही है या मेरे स्कूल में ये काम वो डिजाइन करना है वहां, और वो जो जरूरत पड़ेगी एक पेज पे तो बना बनाया डिजाइन आप इधर करें, इसको उसमें चेंजिंग करें और इसको फिर प्रिंट करवा के ले जाए, तो आप कंपटीशन में भी कहीं स्कूल में बच्चों के साथ
उसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इधर से सारे कल वन बाय वन इधर चेक करने हैं और उनको भी बताना है साथ। तो और साथ जो है ना, आपने ये सारे वन बाय वन जितना भी टाइम मिले ये करके कल जितना एक्सप्लोर करें वो मुझे बताना, ये भी साथ साथ हमने इसको देखना।